आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले खड़गे सिर्फ नाम के कांग्रेस अध्यक्ष, दुनिया जानती है रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। नॉर्थ ईस्ट के तीन राज्यों का एग्जिट पोल त्रिपुरा, नागालैंड में भाजपा गठबंधन को बहुमत, मेघालय में हंग असेंबली का अनुमान। पीएम के छतरी वाले बयान पर खड़गे का पलटवार, पूछा जिगरी दोस्त ने किसकी छत्र छाया में देश को लूटा। मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान, कोनराड संगमा ने बीजेपी से गठबंधन के लिए संकेत दिए। कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी समेत अन्य आरोपियों को भेजा समन, नौकरी के बदले जमीन लेने का है मामला। पीएम मोदी पर टिप्पणी के मामले में पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत रहेगी जारी, 3 मार्च के लिए टली सुनवाई। बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस के प्रधान सचिव के लिए भेजे गए 3 अधिकारियों के नाम, नंदिनी को हटाए थप्पड़ से। सीएम शिंदे के सरकारी बंगले का बिल 2.38 करोड़, अजीत पवार के सवाल पर शिंदे बोले आने वाले को चाय दी जाती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले यह लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को दबाने का प्रयास है। राज ठाकरे का उद्धव वार, बोले सामना को अब नहीं पड़ता, शिंदे की बगावत के बाद उद्धव के नियंत्रण में प्रकाशन। अरविंद केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, केंद्रीय मंत्री बोले मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 हो सकते हैं। कपिल मिश्रा का दावा, जिस दिन सामने आएगा ये घोटाला उसे नाक मिलाने लायक नहीं बचेंगे सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम। ममता बनर्जी की त्रिमूल कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट हैक, हैकर्स ने दिया कोई विवादित ट्वीट नहीं किया है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया, 2 जवान भी घायल। रैगिंग से परेशान दलित मेडिकल स्टूडेंट ने किया सुसाइड, तेलंगाना में पीजी फर्स्ट ईयर की छात्रा को सीनियर परेशान कर रहा था। सीएम योगी ने गोरखपुर में सुनी फरियाद, अधिकारियों से बोली जनता की सेवा में हाजिर रहे हमेशा। लोकसभा चुनाव प्रभावित करने के लिए भाजपा कर रही है साजिश, अखिलेश बोले विपक्षी नेताओं को फर्जी केस में फंसा रही है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल सहित 38 आरोपी बरी, युवक को टॉयलेट पिलाने पर आंदोलन का था मामला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़के सांसद निरहुआ, सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को बताया सपा प्रतिनिधि।
प्रयागराज कांड के बाद वारदात के बाद सीबीआई में बड़ी हलचल। मुख्यालय ने लखनऊ क्राइम ब्रांच से तलब की घटनाक्रम की रिपोर्ट। छात्रवृत्ति घोटाला मामले में जांच के दायरे में आए दो ट्रस्ट। ईडी ने कॉलेज संचालकों के 50 बैंक खातों की जानकारी तलब की। हर वर्ष दो विधायकों को मिलेगा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। 22 बिंदुओं के मानदंड पर उतरना होगा खरा। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर गाजीपुर में छापेमारी। पुलिस ने मुख्तार के करीबी अंगद राय के घर की तलाशी ली है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी में आक्रोश। सभाजीत सिंह बोले, आपकी बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा भयभीत है। पन्ना प्रमुखों से भाजपा करेगी बूथों को मजबूत। 1 से 5 तक हर विधानसभा में होगी कार्यशाला। अमेठी में चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या। निमंत्रण से लौटते समय घात लगाए बैठे बदमाशों ने किया फायर। बाराबंकी में भाजपा नेता आशु लिपि को सरेआम पीटा। पीड़ित बोला, भद्रता का विरोध करने पर पीटा और जान से मारने की धमकी दी। बरेली में सड़क हादसे में पिता पुत्र समेत 3 की मौत। बाइक टकराने पर गिरे पीछे से ट्रक कुचलता हुआ निकल गया। आगरा में बर्तन कारोबारी से 4 लाख रुपए लूटे। छीन ले गए एक्टिवा, डिग्गी में रखे थे रुपए। सयां के पास हुई वारदात। मेरठ में देर रात पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान। हूटर, हार्ड साउंड और जाति सूचक शब्द लिखी गाड़ियों को कटे चालान। अलीगढ़ में 15,662 ने छोड़ी बोर्ड परीक्षा। हाई स्कूल में विज्ञान और इंटरमीडिएट की गणित व जीव विज्ञान की परीक्षा में अनुपस्थित रहे विद्यार्थी। कानपुर में सिलेंडर फटने से 6 झोपड़ियों में लगी आग। एक युवक झुलसा। लाखों का गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। शादी के कुछ घंटे बाद ही दूल्हे की मौत। मेरठ में सुबह दुल्हन को विदा कराकर ले आए। दोपहर में बाइक फिसलने से गई जान। कानपुर में मासूम का अपहरण। परिजनों ने पड़ोसियों पर लगाया आरोप। पिता बोले, पड़ोसी की पत्नी ने घर में की थी चोरी। सुल्तानपुर में 13 माह का मासूम नहर में डूबने से मौत। बहू बोली, पहले घर से निकाला फिर नहर में धक्का दिया। पीलीभीत में जिला जेल के अंदर पेड़ पर चढ़ा बंदी। रिहाई की मांग को लेकर किया ड्रामा। जानलेवा हमले के मामले में जेल में बंद है आरोपी। कानपुर में 8 इंस्पेक्टर इधर से उधर। एमएलए इरफान पर सबसे ज्यादा एफआईआर दर्ज कराने वाले इंस्पेक्टर को घाटमपुर थाना मिला। नशेबाजी के झगड़े में युवक को किया मरणासन्न। दो दोस्तों का शराब पीने के दौरान झगड़े में पीट पीट कर बेदम किया। वाराणसी के अखरी बाईपास पर एक्सीडेंट, एक मौत। वाराणसी में मैजिक ने मारी 2 सगे भाइयों को टक्कर। दूसरा भाई अस्पताल में भर्ती। इटावा जिला अस्पताल में युवतियों के बीच मारपीट। फ्री सेवा की जानकारी पर वापस पैसे मांगने पर हुआ था विवाद।
अमेठी में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी को लेकर आप कार्यकर्ताओं का हल्ला, वो सड़कों पर उतरे आप कार्यकर्ता। बुलंदशहर में अज्ञात कारणों से टेंट के गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखा लाखों रुपए जलकर हुआ खाक। हमीरपुर में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान खाक। महज 30 फीट की दूरी पर भी समय से नहीं आए दमकल कर्मी। उन्नाव में एसपी ने 36 सिपाहियों का किया तबादला, प्रेमचंद को पुलिस लाइन से मालखाना भेजा गया। उत्तराखंड के सीएम धामी के निर्देश, पौड़ी मंडल कार्यालयों में बैठने का रोस्टर अपनाए अफसर, तेजी से होगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 1 मार्च से बहेगी योग की गंगा, सीएम धामी करेंगे महोत्सव का आगाज। प्रदेश की 2 महिला सरपंचों का स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के लिए चयन, सीएम धामी ने दी बधाई। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की घोषणा, प्रदेश में अनाथ बच्चों के लिए बनेगा देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में बिगड़ेगा मौसम, 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, बिजली गिरने की भी आशंका। जोशीमठ में भूधसाव से 863 भवनों में आई दरारें, फाइनल रिपोर्ट आते ही दिया जाएगा मुआवजा। बढ़ के उत्तराखंड के आप कार्यकर्ता, कहा देश की एजेंसियों को मानफिक इस्तेमाल कर रही है सरकार। बद्रीनाथ हाईवे पर फिर हुआ हादसा, सड़क धंसने से नरसिंह मंदिर मार्ग पर रोकी बड़ी वाहनों की आवाजाही। एक हफ्ते में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए 1.40 लाख तीर्थयात्रियों ने कराया पंजीकरण। उत्तराखंड में पहले की महंगाई, मोबाइल व डीएसएलआर की चोरी, फिर घटना का बनाया रैप, गाया और पकड़ा गया। उत्तराखंड में एनडीए की कोचिंग कराने वाले एकेडमी संचालकों पर केस दर्ज, रुपए हड़पने व प्रताड़ित करने का आरोप। बद्रीनाथ और हेमकुंड में हुई बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में आंधी के साथ बारिश से गिरा तापमान। सिपाही पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने के मामले में सीएम धामी सख्त, डीजीपी से मांगी रिपोर्ट, अवैध खनन पर जताई नाराजगी। उत्तराखंड में 9 कंपनियों के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे केदारनाथ, अप्रैल से खुल सकती है ऑनलाइन बुकिंग। उत्तराखंड में नशे की लत में पड़े 2 युवक चुराने लगे महंगी साइकिल, सीसीटीवी में कैद हुई कारनामा, पहुंचे जेल। इजरायली नागरिकों की हत्या के बाद वेस्ट बैंक में हिंसा, नाराज लोगों ने फिलिस्तीन के 4 गांवों पर हमला किया, घर घर और कारें भी जलाई।
रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका, सीआईई प्रमुख बोले भारत और चीन का विरोध अहम। निकी हेली ने कोरोना के लिए बीजिंग को ठहरा जिम्मेदार, चीन के लिए अमेरिकी सहायता में कटौती का दिया सुझाव। ब्रिटेन ने ईयूई के साथ किया समझौता, उत्तरी आयरलैंड के साथ व्यापार विवाद में मिली बड़ी सफलता। अशांत बलूचिस्तान प्रांत में बंदूकधारियों का कोयला खदान पर हमला, चार श्रमिकों की मौत, कई घायल। पाकिस्तान में शहबाज दे सकते हैं इस्तीफा, तीन विकल्पों पर चर्चा, नेशनल या ट्रेकोक्रेट, सरकार नहीं बनी तो फौजी हुकूमत आएगी। पहली बार सामने आए जेलेंस्की की बंकर की तस्वीरें, परिवार की फोटो के सामने रणनीति बनाते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा, मारे जाएंगे पुतिन, जेलेंस्की बोले रूसी प्रेसिडेंट के करीबी की हत्या कर देंगे, उनका मुश्किल वक्त दूर नहीं। नेपाल फिर सियासी संकट की ओर, सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी ने अलायंस छोड़ा, पीएम प्रचंड का कतर दौरा रद्द। पाकिस्तान में रह रहे कश्मीरी आतंकी ढेर, हमलावरों ने खालिद रजा को गोली मार, 7 दिन पहले मारा गया था हिजबुल कमांडर। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बने एलन मस्क, 15.4 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्क के साथ अनाल को पछाड़ा। अडानी ग्रुप के 10 में से 8 शेयरों में गिरावट, फ्लैगशिप कंपनी एंटरप्राइजेस का शेयर 5% से ज्यादा टूटा। समय से पहले आई गर्मी, कूलिंग प्रोडक्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ी, फरवरी में 7.25% तक चढ़ी कीमतें। शाओमी इलेक्ट्रिक स्कूटर 4 अल्ट्रा लॉन्च, 4 ड्राइविंग मोड्स के साथ मिलेगी 70 किलोमीटर की रेंज। सिट्रोएन की पहली इलेक्ट्रिक कार EC3 भारत में लॉन्च, सिंगल चार्ज में मिलेगी 320 किलोमीटर की रेंज। नोकिया ने एक साथ लॉन्च किए 3 सस्ते स्मार्टफोन, यूजर पर घर पर बैठे रिपेयर कर सकेंगे G22। $5.8 लाख करोड़ में 470 विमान खरीदेगी एयर इंडिया, एयरबस से 250, वहीं बोइंग से 220 एयरक्राफ्ट खरीदेगी। गौतम अडानी अमीरों की सूची में 38वें स्थान पर, खिसके बाजार पूंजीकरण 12.38 लाख करोड़ घटा। रिलायंस मुखिया से मिले ओडिशा सीएम नवीन पटनायक, राज्य में कंपनी की निवेश योजनाओं पर की चर्चा। कोरोना से 46 कर्मचारियों की मौत, आरबीआई ने कहा आश्रितों को इन योजनाओं का दिया गया लाभ। फॉलो ऑन खेले के बाद जीतने वाली तीसरी टीम बनी न्यूजीलैंड, वेलिंगटन टेस्ट में कीवी ने इंग्लैंड को 1 रन से हराया। पीएसएल में लाहौर कलंदर्स के तूफान में उड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड, 100 रन में भी नहीं बना पाई शादाब खान की टीम।
एम्बापे रोनाल्डो को बचा लिया, फीफा बेस्ट प्लेयर्स बने मेसी, मेसी ने रोनाल्डो की बराबरी की। सौरभ गांगुली बोले केएल राहुल की समस्या तकनीकी और मानसिक दोनों, शुभमन गिल को अभी करना होगा इंतजार। संदीप लामिछाने को नहीं मिली विदेश जाने की अनुमति, टीम से होना पड़ा बाहर, इसी महीने हुई थी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। इंदौर में बैटिंग पिच मिलने की उम्मीद, गिल और राहुल ने साथ की नेट प्रैक्टिस, विराट कोहली ने कराई कैचिंग। ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने की शादी, महाराष्ट्र के कर्जता में हुई वेडिंग सेरेमनी, पत्नी रितिका के साथ पहुंचे रोहित। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट पर भड़के पूर्व पाक दिग्गज दानिश कनेरिया, कहा यह किस तरह की लीग है। दस रन पर ऑल आउट हो गई टीम, टी20 में सबसे कम स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 7 बल्लेबाज 0 पर आउट, स्पेन में हो रहा था मैच। पावर हिट में पिछड़ रही महिला क्रिकेटर, टीम 120 गेंद के 116 रन बना पाती है जबकि पुरुष 151 रन बना रहे हैं। बायोपिक के बीच अफवाहों के बीच क्रिकेट खेलते नजर आए गांगुली, रणबीर ईडन गार्डन पर फ्रेंडली मैच में लिया हिस्सा। आजमगढ़ के पोस्टर को सड़कों पर देखकर भड़के पंकज त्रिपाठी, अब कानूनी कार्रवाई करने के मूड में हैं। पेपरोजी के सामने गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक हुए ऋतिक रोशन, एक्टर ने दिया गुड बाय किस। ओल्ड मनाली वन विहार में सरजमी की शूटिंग, लीड रोल में बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल, पृथ्वीराज व इब्राहिम। अदिति राव हैदरी ने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ संग किया जबरदस्त डांस, वीडियो देख लोगों ने लगाए शादी के कयास। जिम में पसीना बहाते दिखे संजय दत्त, 63 साल की उम्र में किया इंटेंस वर्कआउट, वीडियो देख फैंस बोले लगे रहो मुन्ना भाई। धनश्री वर्मा मालदीव में करें छुट्टियां एंजॉय, फैंस को दिखाई रोमांटिक वेकेशन की झलक, ग्लैमरस अवतार में आई नजर। डिजास्टर साबित हुए अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी, 3 दिनों में कलेक्शन सिर्फ 10 करोड़ रुपए। शिल्पा व शमिता सेठी पहुंची अमृतसर, दोनों बहनों ने एक साथ गोल्डन टेंपल में मत्था टेका, आने वाली फिल्म में बनेंगी जट्टी। शिल्पा शेट्टी ने मजेदार अंदाज में किया वर्कआउट, शाहरुख खान के गाने बाजीगर पर एक्सरसाइज के साथ किया डांस। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।